समय आ चुका है। बस यार बहुत हो गया। आपने बोला टॉप बेस्ट फोन 30K वाली वीडियो बना दो, बना दिया। जब वो वीडियो बनाया तो आपने बोला बेस्ट फोन 20K में बना दो। जब वो वाला वीडियो बनाया तो आपने बोला भाई बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20,000 बजट बता दो। फिर मैंने वो भी बना दिया। और जब वो वीडियो बनाया आपने बोला भाई बेस्ट फोन अंडर 15,000 बना दो। तो आपके लिए मैंने भाई वो वाली वीडियो भी बना दी। लेकिन यार जब 15K वाली वीडियो बनाई तो उसमें आप लोग कमेंट कर रहे हो कि भाई 10,000 में जो बेस्ट फोन है वो वीडियो बना दो। अब यार आपने बोला हो और मैं वीडियो ना बनाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? बस यार आप ये मत बोलना यार 0 रुपए में बेस्ट स्मार्टफोन बता दो। आज मैं आपको 5 बेस्ट 5G फोन बताता हूँ, वो भी 10,000 बजट में। टॉप 5 फोन कौन से हैं? क्योंकि भाई 5 से बनती है। आपके काम को आसान बनाने के लिए मैंने हमेशा स्मार्टफोन को कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसकी बेस्ट कैमरा फोन कौन सा है, बेस्ट परफॉर्मेंस फोन कौन सा है, बेस्ट लुकिंग फोन कौन सा है, या फिर आपको चाहिए ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी फोन वो कौन सा है। चलो फटाफट से जानते हैं भाई ये लिस्ट कौन कौन से है, आपके लिए कौन सा बेस्ट फोन है, और इसके साथ ही हम हमेशा की तरह भाई क्या प्रॉज है, क्या कौन से है उस स्मार्टफोन के बारे में, ताकि आपने जो पैसा इन्वेस्ट करे एक फोन को बाय करने में आपको आपके यूसेज के हिसाब से एक सही फोन मिले। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है बेस्ट परफॉर्मेंस फोन 10,000 के अंडर में। तो चलो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में गेस करो आपके हिसाब से, आपकी नजर में भाई बेस्ट परफॉर्मेंस फोन कौन सा है। करो 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 गेस करो। तो फोन का नाम है पोको M6 Pro 5G। भाई परफॉर्मेंस के मामले में क्या बढ़िया फोन है ये। इसके फीचर्स की बात करो तो इसमें आपको 6.67 इंच की एक 90Hz डिस्प्ले मिलता है। ये फुल HD+ डिस्प्ले है। 50MP AI डुअल कैमरा सेटअप दे रखा है। स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर दे रखा है। 5000mAh की बैटरी है। 18W का चार्जर है। इस फोन के प्लस पॉइंट की बात करो, सबसे पहला भाई एक बिग स्क्रीन आपको मिलती है, 90Hz है, ऊपर से फुल HD+ है, वरना अंडर 10,000 रुपीज में आप जनरली स्मार्टफोन को देखोगे उसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिलता है। दूसरा जो प्लस पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर है। इसके नाम पे मत जाना, काम पे जाना, वो छोटा पैक बड़ा धमाका है। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये जो प्रोसेसर है एक सॉलिड परफॉर्मेंस निकल के आता है। मतलब डे टू डे आप यूज करोगे, मल्टीटास्किंग करोगे, इवन अगर आप गेमिंग करना चाहते हो इसमें मीडियम सेटिंग्स पे इजीली कर सकते हो। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इसके साथ ग्लास बैक डिजाइन है एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। एंड अगर कौन सी बात करो तो बस एक ही कौन है भाई, फोन में जो ब्लॉटवेयर है ना वो बहुत ज्यादा है, और अनवांटेड नोटिफिकेशन आती है भाई थर्ड पार्टी ऐप से, जो थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस खराब कर देता है। ऑलराइट, जो नेक्स्ट फोन है, नेक्स्ट कैटेगरी है, पता नहीं भाई ये जो गाना दिमाग से जा नहीं रहा, इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रहा है, और फन फैक्ट ये भाई किसी को समझ नहीं रहा ये गाना कौन सा है। अगर मुझे यूट्यूब पे सर्च करना है क्या लिख के सर्च करूं? ओके, जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट कैमरा फोन, और भाई उसमें मेरी नजर में आई थिंक यस ये वाला फोन है मोटोरोला का मोटो G34 5G। इसके फीचर्स की बात करूं तो 6.5 इंच की आपको एक IPS HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। 50MP डुअल कैमरा सेटअप है। 16MP सेल्फी है। 5000mAh की बैटरी है। स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर है। ये वाला जो फोन है ना आपको अंडर 10K या फिर कह लो एग्जैक्ट 10,000 में 9999 में मिल जाएगा। और अगर इसके मैं प्लस पॉइंट की बात करूं, बजट में आपको वीगन लेदर मिल रहा है, तो इस पर छोड़ो कोई दूसरा ब्रांड आपको नहीं दे रहा वीगन लेदर, स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर दे रहा है। जनरली ये जो प्रोसेसर आपको 15-20 हज़ार वाले प्राइस पॉइंट में देखने को मिलता है, बट मोटोरोला यहां पे अंडर 10,000 रुपीज में दे रहा है। तो परफॉर्मेंस आपको एक सॉलिड मिल रही है इसमें। स्टीरियो स्पीकर्स है, एंड एक सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से मैंने इसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन में रखा है वो है इसका कैमरा। हाँ, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा वगैरह नहीं है, जो मेन कैमरा भाई वो बहुत अच्छे फोटोज क्लिक करता है, स्पेशली सेल्फी कैमरा। जो मेन कैमरा है आउटडोर में बहुत बढ़िया फोटोज निकालता है। देखो एकदम बेस्ट तो नहीं कहूंगा, बट प्राइस के हिसाब से जो सेगमेंट में ये फोन आ रहा उसके हिसाब से ये बेस्ट है। हमने इसके कैमरे को अच्छे से टेस्ट भी किया था। हाँ, अगर मैं फोन के कॉन्स की बात करूं तो बस एक ही कमी है, वो है HD+ डिस्प्ले। फुल HD+ डिस्प्ले नहीं है, और जनरली इस प्राइस में भाई HD+ डिस्प्ले ही मिलता है। सो अगर आपकी प्रायोरिटी भाई कैमरे के साथ परफॉर्मेंस है और इसके साथ आपको एक क्लीन UI वगैरह चाहिए, तो ये मोटो का G34 5G आपके लिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी भाई ये है बेस्ट सॉफ्टवेयर एंड बेस्ट बैटरी बैकअप फोन, एंड गेस करो भाई आपके हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पे कौन सा फोन हो सकता है। सोचो सोचो सोचो। चलो यार सोचते सोचते वो जो नीचे लाइक बटन दिख रहा है उसे भी दबाई दो, सोचना क्यों, फीका फीका लग रहा है दबा दो। एंड नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, ऑल पे क्लिक करो, दिल की घंटी बजेगी। फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G। यस, ये फोन भाई प्राइस के हिसाब से सैमसंग की तरफ से काफी बढ़िया फोन है, बजट एंट्री लेवल के हिसाब से। इसके फीचर्स की बात करो भाई 6.6 इंच की एक फुल HD+ 90Hz आपको डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। 50MP डुअल कैमरा सेटअप है। 13MP की सेल्फी है। एक्सिनस 1330 है। 6000mAh की बैटरी
है और 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसके प्रोस की बात करता हूँ, सबसे पहले भाई फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको इसमें मिल रहा है। 10,000 के नीचे अगर आप जाते हो, एक्जैक्टली 10,000 के आसपास आपको जनरली HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, इसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले है। दूसरा भाई मॉन्स्टर बिग बैटरी है 6,000 mAh की, तो जो लोग बहुत ज्यादा फोन को यूज करते हैं, बार बार फोन को बैटरी चार्ज करने से परेशान है, उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है ये। एंड तीसरा भाई बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, यस बेस्ट UI आपको देखने को मिलता है। एंड इसके साथ आपको 2 OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी मिलेगा। एंड इसके साथ सैमसंग का कुछ प्रीमियम फीचर्स जैसे कि सैमसंग वॉलेट, वॉइस फोकस और सैमसंग सिक्योर फीचर, ये सब मिलेंगे आपको इस फोन में। कॉन्स की बात करो तो हाँ, जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा बेटर हो सकता है, डिसेंट सा ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस मिल जाता है एक्सिनस का। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है बेस्ट लुकिंग फोन, जो देखने में एकदम खूबसूरत सा हो, चांदी सा बदन, चांदी सी नजर। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जिनको एक बढ़िया दिखने वाला फोन चाहिए, एंड गेस करो कौन से ब्रांड की तरफ से है ये, आपका हमारा इस इंडिया का इंडियन ब्रांड का स्मार्टफोन, क्या माइक्रोमैक्स। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया माइक्रोमैक्स का नाम लेके। लेकिन हाँ, एक इंडियन ब्रांड है जो एक्चुअली में अच्छा काम कर रहा है, लावा। यस, लावा कोशिश तो बहुत अच्छी कर रहा है ये जरूर कहना पड़ेगा, और पिछले कुछ सालों में भाई अच्छा काम कर रहा है। एंड बेस्ट लुकिंग कैटेगरी में भाई इन्हीं का एक फोन है लावा ब्लेज 2 5G। 90Hz आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाता है, 50 MP AI डुअल कैमरा सेटअप है, 8 MP की सेल्फी है, MediaTek Dimensity 6020 चिप है, 5000 mAh की बैटरी है, 18W का चार्जर है। वैसे इसकी प्राइस 10499 है, ऑफर लगा के ये आपको 9999 में मिल जाएगा। इसके प्लस पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहला भाई इसमें आपको ग्लास पैड देखने को मिलता है, जो देखने में काफी प्रीमियम स्टाइलिश लगता है देखने में, और कैमरे में 2K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है। हाँ, बस एक ही कौन मैं कहूंगा इसमें प्राइस के हिसाब से, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट। लावा कभी देता है, कभी नहीं देता, कभी भूल जाता है, कभी सो जाता है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वो है वैल्यू फॉर मनी फोन अंडर 10,000 rupees में, और इसमें रियलमी का फोन आता है, रियलमी C65 5G फोन। इसके फीचर्स की बात करो, इसमें आपको 6.67 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, 50 MP डुअल कैमरा सेटअप है, 8 MP सेल्फी है, डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर है, 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, और येलो फोन भी आपको अंडर 10K में मिल जाएगा। एंड प्राइस के हिसाब से देखा जाए इस फोन में सब कुछ अच्छा अच्छा आपको दे रखा है, एक अच्छा डिस्प्ले, अच्छा डिजाइन, गुड लुकिंग डिजाइन, अच्छा कैमरा, अच्छी बैटरी, अच्छी परफॉर्मेंस, और क्या चाहिए आपको, है ना। 5G भी है, बस एक ही चीज खटकती है भाई इस फोन में, वो इसका डिस्प्ले। HD प्लस डिस्प्ले है, फुल HD होता मजा आ जाता, बट ठीक है, इस प्राइस पॉइंट पे जनरली आपको HD प्लस डिस्प्ले ही मिलता है। सो अब आप बताओ भाई, आप कौन सा फोन बाय कर रहे हो, क्या लेना वेना नहीं है, बस देखना है। चलो कोई नहीं, आप ये तो बता दो अभी फिलहाल आप कौन सा फोन यूज कर रहे हो, एंड इतना वीडियो देख लिया तो लाइक जरूर कर देना एंड शेयर जरूर कर देना यार, ताकि इस वीडियो से किसी को हेल्प मिल सके। बाकी क्या, मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, डबल डबल बाय बाय, दो दो बाय बाय, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।